अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालू के संडे पर्ट्स मार्केट में, जो पुरानी संडे पर्ट्स मार्केट लगा करती थी। ये अभी एकोरियम की साइड वाला एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल अभी मार्केट बिल्कुल सही से लगी हुई है। आप लोग देखें मार्केट भरपूर है, भरपूर कह सकते हैं, क्योंकि बात जो पिछले हफ्ते गए उसके मुकाबले में आज मार्केट बेहतरीन रही है। और क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम काशी भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का करम। हम भाई आप सुनाए। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मेरा भाई बहुत दिनों बाद मार्केट में नजर आया, खैरियत? भाई जरा बिजी थे घर वगैरह में, इस वजह से। चलो अल्लाह और सुनाए, आप सब खैर खैरियत? बहुत करम है, आप सुनाए, तबीयत वगैरह ठीक? अल्लाह का चक्कर में ये काशी भाई है, मार्केट में भी आया करते हैं, देखते शायद कम है। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे भाई हमजा का चैनल मार्केट अपडेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको प्रमोट करें इसके चैनल को। और ये आप लोगों ने करना है, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम। और ये थी आज की मार्केट, अब देखते हैं आज मार्केट में आया कौन कौन है, क्या क्या लेकर आया, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल फॉर सेल है। शायद कोई परिंदा भी उड़कर ऊपर गया है, जिस वजह से अभी इतना शोर हुआ है। तो चले आए देखते हैं आज कैसी है मार्केट। वालेकुम अस्सलाम। आपका? ज़ियाद नाम है। ज़ियाद भाई, ज़ियाद भाई रिंग निकला है? दोनों पीस बोलते हैं, एंड टाइम है। एंड टाइम है और नर है? दोनों नर है। क्या प्राइस आएंगे? 15,000 रुपए एक पीस। किसी एक स्पेशलिटी, कोई एक चीज़ बताओ जो? बहुत चीज़ें बोलते हैं माशाल्लाह, नाम वाम भी लेते हैं। मकसद ये है घर में सुन सुन के ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। आप इसका बताएं, यूनिक वर्ड में ये कौन है, घंटी कौन है, हेलो बिल्ली की आवाज़, सही है, ये सब चीज़ें बोलते रहे। एज कितनी होगी? 6,000 रुपये। किसके? इनकी एक एक के 15,000 रुपये बोल रहे हैं। प्राइस 15,000 रुपये। एज कितनी है, उम्र कितनी है? एज ये है ढाई साल की। होंगे ढाई साल के होंगे। क्या आपने बच्चे लेके पाल लेते हैं? बड़े नहीं, बड़े ही लिए। बड़े ही लिए तो दोनों बोलते हैं? दोनों बोलते हैं। 15,000 रुपये फाइनल प्राइस है? हो जाएंगे मार्केट में, हो जाएंगे। और बाकी लुटीनो है? लुटीनो के 6,000 रुपये। 6,000 रुपये फाइनल है? फाइनल 5,000 रुपये में हो जाएंगे। सही हो गया। उसके बाद ये गिरे, ये ये 4,500 रुपये में। 4,500 रुपये? 4,000 रुपये में हो जाएंगे फाइनल। 4,000 रुपये में हो जाएंगे। क्या आपके पास और भी पीस है? यही पीस है? यही पीस है, बाकी घर पे रखे हैं, वो सेल नहीं कर रहे। घर पे पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या सेल के लिए? नहीं, सेल नहीं। सही है। क्या नंबर आप सेल कर सकते हैं? 0313-86-79-217। क्या नाम है आपका? तैयब नाम है। तैयब भाई, तैयब भाई, तैयब भाई, आप माशाल्लाह चारकोर और क्रीम। हाँ गिरे के जी जी। क्या प्राइस में देंगे? क्या प्राइस में सेल करने आया है? जी जी, ये सारे बड़े जोड़े हैं लगे हुए, और भी रखे हुए। अभी तो मैं मेल लाया हूँ मादियों के साथ, कुछ अंडे बच्चे थे तो इसकी वजह से वो लाए नहीं है। अच्छा जी, तो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है? जी जी, ब्रीडिंग सीजन है, असल में मुझे जाना है, मैंने सेल करने थे तो मैं ले आया सारे। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, जिसके अंदर गिरे चारकोल है? चारकोल के लाते नहीं, ये गिरे के लाते। गिरे के लाते ये? ये व्हाइट है, व्हाइट कॉकटेल। जी जी, इनके प्राइस बताएं पहले। व्हाइट कॉकटेल जो है वो बड़े पेयर 3500 रुपए के रियायत हो जाएगी उसमें, और पट्टे जो है वो 2500 के हैं। रियायती दाम है ये, रियायती प्राइस है, मतलब फाइनल नहीं है। हाँ, रियायत हो जाएगी। और उसके बाद आपका कौन सा है? ये भी ग्रे ही है सारे। ये भी वही है? जी, ये भी ग्रे है सारे। मतलब आपके पास ठीक ठाक क्वान्टिटी होगी जो आप सेल कर रहे हैं? हाँ, जो भी अगर चाहिए हो, पर्ल भी पड़े हुए हैं, ग्रे भी हैं, व्हाइट भी हैं। अगर किसी को चाहिए, कॉकटेल है, लवबर्ड है, लुटीनो है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करे और आके ले जाए, मगर मैं रहता गुलशन हदीद हूँ, आना चाहे तो कोई आके ले। मतलब आप ये कर लेंगे कि आप यहाँ पर ला सकते हैं मार्केट में, मार्केट में ला के आप उनको दे सकते हैं? हाँ, कोई ऐसा कर सकते हैं? जी जी, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे उसमें, बीच का कोई रास्ता निकाल। व्हाट्सएप नंबर है? जी जी, व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। 0332-22-47-055। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का दौर चल रहा है। हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर आप इजीली तस्वीर आगे पीछे कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, माल दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। इस साइड पे मार्केट आज माशाल्लाह बेहतरीन है। और अब आगे देखते हैं और कौन कौन आया है, क्या क्या प्राइस लेके, क्या क्या म्यूटेशन लेके, किस किस तरह का तोता लेके और क्या क्या चीज़ें लेकर सेल करने के लिए आया। तो चले आए देखते हैं और कौन कौन आया है आज की मार्केट में। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? सर क्या लाए सेल करने के लिए? सर लुटीनो पर्सनाटा रेड आइज है, ब्लैक आइज है, एल्विनो पर्सनाटा रेड आइज, ब्लैक आइज। कुछ प्राइस पूछना शुरू करो लुटीनो से। जी जी, तो बताएं क्या प्राइस है? लुटीनो पर्सनाटा जो है वो रेड आइज और ब्लैक आइज का कॉम्बिनेशन है, सही है? मेल फीमेल का ये 6,000 रुपए का जोड़ा है। ठीक है, एल्विनो? एल्विनो पर्सनाटा भी रेड आइज ब्लैक आइज का कॉम्बिनेशन है, ये 12,000 रुपए का पेयर है। बिल्कुल। और ये जो नीचे पड़े हुए हैं सारे, इसमें फेलो हैं, क्रिस्टेड हैं, डबल क्रिस्टेड हैं, ये जो है वन म्यूटेशन है, मुख्तलिफ म्यूटेशन है, 1,000 रुपीज़ पर पीस है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है एग्जीबिशन और होगो मोरो की क्रॉस ब्रीड से निकले हुए बच्चे हैं। सही है, सही है। तो उन
उनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉपर फैदरिंग नहीं करते लेकिन उनके अंदर वो ब्लड लाइन होती है, तो उसकी वजह से इनके प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन जो लोग लेके जाते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर ब्लड लाइन होने की वजह से इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि 15,000 से 30,000 रुपये तक के पेड़ निकाल देते हैं। सर, काफ़ी मेरे को आपको एक्सपीरियंस लग रहा है आपकी इस फील्ड के अंदर, आपसे ज़रा मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जी जी पूछिए। हमारा फार्म है, बिल्कुल है, फार्म भी है और इंडिविजुअल भी है। कोई हमारा व्यूवर आपका फार्म विजिट करना चाहे, वहाँ से कोई बड़ क्वांटिटी में बड़ उठाना चाहे, क्या प्रोसेस होगा, क्या आप बनाएंगे और किस एरिया में? बिल्कुल मिल जाएगा, जमशेद रोड गुरु मंदिर की तरफ हमारा फार्म है। सही है। छत पे बना हुआ है बाकायदा पूरा, और उनको बिल्कुल बल्क में मिल जाएगा, आप जितना भी चाहेंगे मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग ट्रेड भी करते हैं, लेकिन ट्रेड से मुराद ये नहीं है कि हम मार्केट से ख़रीद के बेचते हैं। हम लोग जो है वो बाकायदा जिन लोगों को हम लोगों ने फार्म्स लगवाए हुए उनसे हम ब्रीड लेते हैं और उनको हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ उनको ये भी प्रोवाइड करती है कि किस मौसम में क्या फीड देनी है, उनको क्या मेडिकेशन देनी है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर के लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे ना आने की वजह से फैदर टूटने के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, बीक्स टूटने के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये लोग रेस्ट नहीं देते हैं। देखिए, हर परिंदा वर्ल्ड के अंदर, अगर वाइल्ड के अंदर आप जाएँ ना, तो उसके अंदर ये होता है कि वो सीज़न के अंदर एक ही ब्रीड करता है, ठीक है। जब आप उसको केज में रख दोगे तो उसके पास ब्रीडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो साल में तीन चार ब्रीड करता है, तो उससे उसकी लाइफ कम होती है। बिल्कुल, कोशिश ये करें कि 2 से 3 ब्रीड लें, 2 ब्रीड लें ज़्यादा अच्छी बात है। साल में परिंदा एक मरतबा मोल्ड करता है, पर उतारता है, नए पर लेकर आता है, तो उससे उसको एक नई एनर्जी मिल रही होती है। उस दौरान भी उन्होंने ब्रीड पे लगाए हुए होते, बॉक्सेस लगाए हुए होते, तो वो बॉक्सेस उतारना, उसके बाद उसको ये पहचानना कि उनको मोल्ड का टाइम कौन सा देना है, कौन सा मोल्ड का टाइम देना है। कराची के अंदर जो वेदर है वो दो ऐसे वेदर हैं, एक जाती हुई सर्दी और एक आती हुई सर्दी। जाती हुई सर्दी के बाद बहुत शदीद गर्मी होती है, आती हुई सर्दी के बाद एक खुनकी होती है। ये दो वेदर ऐसे होते हैं जिसमें कोशिश करें कि आप परिंदों की ब्रीड ना लें। सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास कौन कौन से म्यूटेशन, कौन कौन से पेरोड आपके फॉर्म पे या आपके फॉर्मों पे जो आपने लगवाए हैं अपने दोस्तों को, अपने करीबी कितने भी दोस्तों को? यार देखिए, ब्रीड आपके पास मिल जाएगी, कौन कौन से पेरोड आपको जो है होगोमोरो मिल जाएंगे, आपको फैलो मिल जाएंगे, एग्जीबिशन मिल जाएंगे, लुटिनो और एल्बिनो पर्सनाटाज, ब्लैक आई रेड आई दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है बड़े पैरेट्स के अंदर हम काम करते हैं, जैसे उसके अंदर पहाड़ी हो गए, बच्चे हो गए, पहाड़ी के बच्चे आने वाले होंगे ग्रीन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन का बच्चा कितने का मिल जाएगा अगर आपके पास? देखिए, ग्रीन के बच्चे को हम काम नहीं करते, मैं आपको, पहाड़ी का बच्चों का काम करते हैं इसलिए कि उसकी ब्रीड है हमारे पास। ग्रीन के अंदर हम काम इसलिए नहीं करते कि भाई सीधी सी, और इसके अंदर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ की तरफ से पाबंदी है, ठीक है, इल्लीगल है फिलहाल, इल्लीगल है। और पहाड़ी के अंदर? पहाड़ी के अंदर वो यूँ नहीं है कि जिन्होंने फार्म बना लिए उनके पास लीगल है, अभी वो है तो उनके पास भी इल्लीगल है, क्योंकि पहाड़ी आया कहाँ से? आपके कश्मीर वगैरह की साइड से आता है, उनका बैकग्राउंड देखो तो वहीं से आया है, लेकिन आप उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, जिन्होंने इनको पाल लिया उनको छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। कितने का मिल जाएगा आपके पास? देखिए, पहाड़ी का बच्चा ऑलमोस्ट तकरीबन 9,000 रुपये से शुरू होता है और अकॉर्डिंग टू द साइज 15,000 तक जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइज यानी एज वाइज यानी 1 महीने का होगा तो 9,000 का होगा, 2 महीने का होगा तो 10 का होगा, 3 महीने का होगा तो। मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कि बड़े हेड का बच्चा, छोटे हेड का, हाँ, इससे भी एक क्वांटिटी, एक इससे जो है आपकी क्वालिटी और प्राइस मेंटेन होते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही है। और कुछ बताया सर आपके पास तो बड़ी नॉलेज है, क्या नाम है आपका वैसे? जी, मेरा नाम शहजाद बशीर है। शहजाद बशीर साहब ने नंबर तो शेयर करें जी, 0332-3999-514। सर, व्हाट्सएप का बड़ा दौर है, यही नंबर है व्हाट्सएप। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, क्या प्राइस मांग रहे हो फिंचों के? भाई, ये सारी म्यूटेशन फिंचे हैं और इसके अंदर अलग अलग प्राइस भी हैं और साइजेस भी अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे कि किसी एक चीज़ की प्राइस बताएं जो नॉर्मल है, नॉर्मल बजट में हो। देखो, नॉर्मल बजट वाली जो है ना, ये ग्रे है, ये ग्रे वाला जो पेयर है अभी तो ये वाला ग्रे वाला पेयर नॉर्मली जाल रेट तो कम है, वैसे हम लोग 600 रुपए का बेच रहे हैं। 600 रुपए का दे रहे हैं। इसका नाम क्या होता है, क्योंकि बच्चे अगर अक्सर जिद करते हैं तो नॉर्मल बजट की चीज़ बिकती है, ये ज़ेबरा। अगर कोई प्रोफेशनल आता है, कोई ब्रीड लेने वाला आता है, उसके लिए म्यूटेशन अच्छी अच्छी चाहिए। हाँ, म्यूटेशन सबसे ज़्यादा महंगी वाली कौन सी आपकी? म्यूटेशन मेरे पास अभी तो ये पड़ा हुआ है, एक तो फ्लोरिडा ऑरेंज का जोड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 2000 का है,
बाकी ये अपना एग्जीबिशन साइजेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या प्राइस में आएंगे? और ये क्रस्टेड? हाँ, वो क्रस्टेड का है, स्नो व्हाइट का दाना है। सही है, स्नो व्हाइट के हिसाब में है? ये 2000 रुपए का एक दाना। 2000 रुपए का एक दाना है? हाँ, एक दाना, एक दाना। और बाकी ये दूसरी है? और इसमें ये भी क्या नाम है, 2000 रुपए का एक दाना है, फ्लोरिडा का, किंग साइज का है ये। ठीक है, एक ये है दाना। आपने फार्म लगाया भाई? ये फार्म नहीं है, छोटा सा है घर में सेटअप, छोटा सा फार्म है, छोटा सा आपका सेटअप है, छोटा सा ही है। सही है, शौकिया शौकिया है। तो किसी और को और भी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप प्रोवाइड कर दोगे? जी जी, इंशाल्लाह, 6 रेटों पे और अच्छी चीज़। ठीक है, आपने नंबर शेयर करो। हाँ, नंबर ले लें आप, 0321 877-9827। चाल के रेट बताने, काशी भाई हमारे साथ मौजूद है, चाल के रेट बताएं काशी भाई, क्या चल रहा है चाल के रेट? भाई बजरी पट्टा जो है वो 300 में लिया है, और बड़ा बजरी जो है वो 400 रुपए की खरीदारी हुई है। सही है। इसी तरीके से व्हाइट कॉकटेल है वो हमने लिया 2000 में, और बड़ा कॉकटेल लिया 2500 रुपए में। ग्रे कॉकटेल लिया हमने 1800-1700 तक में, और पट्टे लिए 1300 रुपए में। कलर लबड़ लिए हमने 1600 रुपए में, और पट्टे लिए 1100 रुपए में। और लोटिनो लिए हमने बड़ा 2000 में, और पट्टे लिए हमने 1300 रुपए में। एल्बिनो का चाल रेट क्या चल रहा है? एल्बिनो की यार खरीदारी होती नहीं है जाल पे हमारी। अच्छा, वैसे ही है कि 2400-2700-2800 जो भी हो खड़े हो के लोग बेचते हैं। बात पूछना चाहूँगा, जाल के रेट ऊपर नीचे होते कौन करता है? ये तो यार मार रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, आगे से ऑर्डर अगर ज्यादा होता है। अच्छा, ये जाल का जो रेट होता है जाल वाला खुद बनाता है? नहीं, ये खुद नहीं बनाता है, आगे से होता है। हमारे व्यूअर्स बड़े परेशान हैं इस बारे में। मसला ये कि यार देखो, कुछ साइडें ऐसी होती हैं कि खुली भी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस लगते हैं कहीं माल भेजने के लिए, 20-25 रुपए एक दाने पे एक्सपेंसेस आता है हमारा, कैरेज रेट आता है। तो जाहिर ही बात है उसको कवर करने के लिए जो है ऊपर नीचे होता है, फिर पार्टी को ज़्यादा रेट में माल जाता है तो वो जाहरी बात है उनको भी वारा नहीं करता है। जाहरी बात है इस एक एरिया से दूसरे एरिया में मुंतकिल होता है तो रेट जो है ऊपर हो जाता है। यानी अगर यहाँ 4.5 की ख़रीदारी हो रही है, लाहौर पिशावर कोयटा में अगर माल जा रहा है तो वहाँ पे जो है जाल का रेट जो है वो 500-550 रुपए तक में होता है। काशी भाई बात पूछना चाहूँगा, एक जाल वाले यार जाल वाला क्या देखता है? 1000 के जो आ रहे हैं वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, उसकी जिसामत देखी जाती है, ठीक है, लूज ना हो, मोशन ना हो, खारिश ना हो, मकसद परिंदा जो है वो एक्टिव हो, जो एक्टिव परिंदा होता है वो हम लोग लेते हैं, क्योंकि आगे एक्सपोर्टर का भी ऑर्डर होता है तो जाहिर बात है एक्सपोर्टर हमारा भी माल चेक करके लेता है। चेक करते हैं आगे हमारा? जी जी, मेरा मोबाइल नंबर है 0315-855-9745। जो भाई भी रब्ता करना चाहे कर सकता है, घर से माल सेल कर सकता है? जी भाई, घर से भी उठा लेते हैं माल। ठीक है, तो ये थी आज की मार्केट अपडेट। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आएगी। आज मार्केट में रश भी है, लोग भी आए हुए हैं, लेकिन उस हिसाब का नहीं है। देख सकते हैं आप, आज मार्केट में लोग आए हुए हैं सेल करने के लिए, कुछ लोग बात कर पा रहे हैं, कुछ लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, सब बाय सेल में लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए। उम्मीद है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए।